غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम्हें किसने हुक्म दिया था जमींदार के कत्ल का? इसका हुक्म मुझे उराल साहब ने दिया था। जमींदार बनने में सादतीन को बैठ मेरी मदद करेगा। उराल को आप कैदखाने में ले जाएं। मैं कल हानली बाजार में मुकदमे की समाअत करूंगा। तुम्हारा सरदार और तुम सब बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचोगे। ये लो सराय की चाबी। तुम्हारा कबीला और तुम्हारा भाई दोनों महफूज रहेंगे। यकीन रखो ये सादतीन का वादा है तुमसे। जमींदार को मरवाने वाला उस कातिल को कबीले में ताजिर बना के क्यों लाएगा? नहीं, उराल कम अज कम इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर सकता। तो फिर कौन है? मेरे बेटे पर यह बोहतान तराशी कौन कर रहा है? जिस आदमी ने बादशाह के काफिले पर हमला करवाया था, इस बोहतान के पीछे भी वही है। अंदर आ सकता हूं अमीर हजरत? आ जाओ। कमांडर वेसिलियस लगता है किसी बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है। जमींदार की मौत का बहाना बनाकर बाजंतीन से कुमक मंगवाई है। कमांडर वेसिलियस अपने होश में नहीं लगता अमीर हजरत। हर एक ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी है जानदार साहब। आप बेफिक्र रहें, उराल जमींदार का कातिल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कातिल कौन है यह पता लगाना जरूरी है, अशद जरूरी है। मुझे इस जंग को रोकना होगा हर कीमत पर। अगर मैं नाकाम रहा तो बहुत खूनरेजी हो जाएगी। तो आप इस जंग को रोकने के लिए क्या इकदाम करेंगे अमीर हजरत? उराल इस जंग को रोकेगा। सिपाहियों को तैयार करो, हमें कारा जैसार के लिए जाना होगा। जैसा आपका हुक्म। आर्थुर भाई, इस मुकदमे का फैसला काई कबीले की साख बहाल करने के लिए बहुत अहम है। हो सकता है हमारे मुखालिफीन हम पर दोबारा वार करें। हमारे जंगजुओं को मुसलसल चौकन्ना रहना होगा, यहां तक कि कोई परिंदा भी पर न मार सके।
जैसा आपका हुक्म भाई। हचतुरियान उस्ताद, हुक्म करें भाई। आप सोने की कान पर दोबारा काम शुरू करें। घबराएं नहीं बिल्कुल, सिपाही दिन रात मामूर होंगे आपकी हिफाजत पर। मैं चाहता हूं कि आप तेज रफ्तारी से काम शुरू करें, लेकिन सबसे पहले निकाले गए सोने को पिघलाना शुरू करें। उसे मुश्किलात में घिरे लोगों में तकसीम करेंगे हम। बिल्कुल ठीक है भाई, मैं भी कबीले में आराम करते करते मोटा हुआ जा रहा था। ताजर किले के वाजिबुल अदा कर्ज की अदायगी के बारे में परेशान है अली को। हचतुरियान के निकाले हुए सोने को ईमानदारी से उनमें तकसीम कर देना। खुदावंद सलामत रखे आपको। मुझे यकीन है कि तमाम ताजिर आपकी सखावत से बहुत खुश होंगे। बमसी कहाँ है आर्तुक भाई? बमसी किले गया है भाई। बमसी हमसे पहले किला फतह कर लेगा आर्तुक भाई, वो भी बिना जंग के। रुको, तुम फिर आ गए? हाँ फिर आ गया, और तुम मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि मैं हेलेना साहिबा से मिलने आया हूं। सब्र करो। जाओ यहां से, कहीं और जाकर खाओ तुर्क। बमसी, सिपाही जा सकते हो तुम। बमसी, तुम नहीं आया करो यहां पर। मेरा मतलब है कि किले में आके मत मिला करो मुझसे। मैं रोजाना अपने किले से बाहर चश्मे की तरफ जाती हूँ चहलकदमी के लिए। तुम मुझसे वहां आके मिल लेना। अच्छा, तो ऐसे कहे ना, ये तो अच्छी बात है। हेलेना, आपको मालूम है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? दरअसल मैं आपको ये बताने आया था कि आपके बाबा का कातिल पकड़ा जा चुका है। तो क्या अपने अंजाम तक पहुंच गया वो? नहीं, यानी मेरा मतलब है कि पहले उस पे मुकदमा चलाया जाएगा, उसके बाद मारा जाएगा उसे। मुकदमा क्यों चलाया जाएगा? हेलेना, हम लोग मुकदमे के बगैर फैसला नहीं करते, और वैसे भी ये बात जानना जरूरी है कि वो किसका आलाकार है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कातिल और उसका मालिक दोनों अपने अंजाम को पहुंचेंगे। क्या मतलब, कौन है उसका मालिक? चावदार कबीले के सरदार का बेटा उराल, और वो कातिल भी उसी कबीले से पकड़ा गया है। उनके मरने तक मैं इंतजार नहीं कर पा रही। जब उन दोनों को मौत की सजा सुनाई जाएगी, वहां मौजूद होना चाहती हूं मैं। मुकदमे के समाप्त के दिन मैं भी आऊंगी। बाबा के कातिलों को मैं अपने सामने मरते हुए देखना चाहती हूं। जरूर देखेंगी, बिल्कुल देखेंगी। आप उन्हें देखिएगा और मैं उनका सर कलम करूंगा। तुम बहुत ही दिलचस्प इंसान हो, उदास नहीं रह सकता कोई तुम्हारे साथ। उदास ना हो, फिक्र ना करें, मैं आपको कभी भी उदास नहीं होने दूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बमसी, जानती हूं मैं मकरूज हूं तुम्हारी। हा? मकरूज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों मकरूज है? कोई कर्ज नहीं। मुझे जब भी कोई खबर मिलेगी मैं आपको बताने के लिए आ जाऊंगा, फिक्र मत करें। अब मैं चलती हूं बमसी बैरिक, वैसे लिए उससे बात करती हूं मैं। हाँ।
हाँ ठीक है, बात करें वैसिलियस से, बात करें उससे जाके। बम्सी जाओ यहाँ से। हाँ मैं जाता हूँ। मैं जब भी कातिल को उसके अंजाम के करीब देखता हूं भाई, तो खुशी महसूस होती है। इसी की वजह से हमारे सिपाही शहीद हुए, जबकि वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे। अनकरीब इसका अंजाम जहन्नुम की आग है। तुर्गुत सिपाही, बेशक हर शख्स को अपने अंजाम को पहुंचना है, और बहुत जल्द तुम मेरे खैमे के सामने तड़प तड़प कर अपनी जान दोगे। तुम्हें तो मैं क्या कर रहे हो तुर्गुत? रुक जाओ, रुक जाओ। अगर बस में होता तो जिरगे का इंतजार नहीं करता मैं, अभी इसी वक्त जहन्नुम वासिल कर देता। फैसला तो सुन ही लिया है तुमने, अब हमारी जरूरत क्या है? सोच समझकर बात किया करो, वरना तुम्हारी जबान काट डालूंगा मैं। जाओ यहां से, सब बाहर जाएं, अकेला छोड़ दे हमें। अमीर सादतीन को पैक किया आप यहां अपने कैदी से मिलने के लिए आए हैं? जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने, तुम्हारी हिर्स और बेवकूफी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, मगर तुमने ना मानी। क्या किया ये तुमने? हाँ, खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया अर्तुरुल से मुकाबले की ख्वाहिश में। तुम दोनों की इन्हीं हरकतों ने इस इलाके के इस्तेहकाम को और सुल्तान के अजाइम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जमींदार को क्या मैंने कत्ल करवाया है अमीर हजरत? क्या आप भी ये बात मानते हैं? नहीं, मैं जानता हूं कि जमींदार को तुमने नहीं मरवाया, लेकिन तुम माजी में की गई हिमाकतों की वजह से ही पहुंचे हो इस हाल तक। हर किसी ने तुम्हारी हवस का फायदा उठाया है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है तुम्हें। बेकसूर हूं मैं, आप जानते हैं। तो फिर निकाले मुझे यहां से। चौलपान उम्मीद से है, वो इतना दुख नहीं सह पाएगी। मजीद ये कि आपका निकाह भी बीच में रह गया, कोई तदबीर करनी होगी। हालात अचानक हमारे खिलाफ हो गए। लानत हो तुम पर अर्तुरुल, तुम्हारा अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। बजाय इसके कि तुम अपनी अकल इस्तेमाल करके बर्तरी हासिल करने की कोशिश करो अर्तुरुल पे, तुम बेबसों की तरह बद्दुआएं दे रहे हो उसे। तुम कभी नहीं सुधर सकते ओराल, इस तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
कुछ खा लीजिए भाभी, आपको भूखा नहीं रहना चाहिए, अपनी औलाद की खातिर कुछ खा लीजिए। इन हालात में मैं कैसे कुछ खा सकती हूं असलेहान? अपने ही खैमे में मुझे कैद कर दिया गया है, न जाने उराल किस हाल में होगा। मुझे ना आपकी कोई फिक्र है और ना उराल भाई की, मैं सिर्फ अपने भतीजे के लिए फिक्रमंद हूं। उसका क्या कसूर है आखिर? क्या तुम भी हमें कसूरवार समझती हो? कौन कसूरवार है और कौन नहीं ये जानना बहुत मुश्किल है। उराल भाई को अच्छी तरह जानती हूं मैं, अर्थुरुल साहब को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन क्या इसलिए? वो अपनी बहन को भी लुटेरों के हाथों इखवा करवाने से नहीं चूके। कैसे कह सकती हो ये तुम? कैसे कह सकती हो असलेहान? क्या तुम्हारे भाई उराल ऐसा कर सकते हैं? क्या ये सब उन्हें मैं करने दे सकती हूं? आप उन्हें ऐसा नहीं करने देंगी भाभी। आज तक मैंने बाबा और भाई ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही किया, उनकी खातिर हर कड़वा घूंट पिया। अमीर सादतीन से मेरा निकाह करना चाहा बाबा ने और उस पर भी राजी हो गई मैं, मगर अब समझ आ गया है कि हर शख्स अपने जाती मफादात को सोचते हुए अपने फैसले करता है। भाभी मगर असलेहान ने दूसरों की खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर दफन कर लिया। अगर मेरा भाई उन लोगों के मुताबिक कातिल है तो मैं क्या कर सकती हूं भाभी? मैं अब क्या करूंगी? मेरा किसी चीज पर कोई इख्तियार नहीं। मैं तो बदनसीब ही मर जाऊंगी। देखो किस हाल में पहुंच गए हम। मेरा शौहर कैद में है, मैं यहां नजरबंद, और तुम लोग भी हमें मुजरिम समझते हो। खाना खा लीजिए, बस और कुछ नहीं कहना मुझे। कल जब फैसला आएगा तो कौन मुजरिम है और कौन बेगुनाह सब पर वाज़ह हो जाएगा। तुरगुत, हमें तन्हाई में बात करनी है भाई से।
जब तुम्हारी मां ने तुम्हें मेरी गोद में दिया था तो मैंने तुम्हारे कान में अजान देने से पहले और तुम्हारा नाम रखने से पहले यही दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे मेरे फर्जंद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, इसे एक बाइज्जत इंसान बनाना। और अब मैं अपने आप से ये सवाल करता हूं कि मुझसे कौन सी खता सरजद हुई जिसने इस हाल को पहुंचा दिया तुम्हें। और हाल इस दिन के लिए परवान नहीं चढ़ाया था मैंने तुम्हें, काश के तुम्हें और अपने कबीले को इस हाल में देखने से पहले मौत आ गई होती मुझे। बाबा मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, जमींदार को मैंने नहीं मारा, ये बात मालूम है अमीर हजरत को। मैं जानता हूं कि तुमने जमींदार को नहीं मारा, लेकिन उराल तुम बेकसूर बिल्कुल नहीं। सच पूछो तो हम सब बराबर के कसूरवार हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पुलिस रात से गुजरने की तैयारी में गुजारी। मैंने अपने फैसले हमेशा अदल इंसाफ की रोशनी में किए, लेकिन अर्तुरुल को कमजोर करने के लिए मैंने जो फैसले किए हम पर पलट गए वो। क्या शिकस्त तस्लीम कर लेते हम उस चरवाहे के आगे? झुक जाना चाहिए था क्या? हमने जो भी किया कबीले की बेहतरी के लिए किया, अपने वकार को बचाने के लिए किया। वाह उराल, तुमने जिसे चरवाहे का नाम दिया उसने हमें उसी तरह शिकस्त दी जिस तरह वो अपने दुश्मनों को शिकस्त देता आया है। अपनी औलाद को, अपनी बहू को अपने ही कबीले में कैदी बनते देखा और कुछ न कर सका। जानता हूं कि उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुका हूं मैं, इज़राइल किसी भी वक्त आ जाएंगे मुझे लेने, याद रखना औरार, याद रखना तुम अपनी बहन की जान लेने पर आमादा रहे और बेगुनाहों का खून बहाने में मुलविस रहे। तुमने मेरे भाई तुकतमिश की जान ली, तुम्हें माफ नहीं कर सकता, मैं कभी माफ नहीं कर सकता। मेरी आंखों से पर्दा हट चुका है। सरदार जानदार ने यानी मैंने
एक बाइज्जत इंसान के बजाय एक मुजरिम और एक कातिल की परवरिश की है तो डूब मर जाना चाहिए मुझे। शर्म का मकाम है मेरे लिए। यह क्या किया तुमने, क्या किया औरल? बाबा कसम खाता हूं मैं बाहर आकर सब कुछ हासिल करूंगा, हर वो चीज जो हमारा हक है एक एक करके मैं उनसे सब कुछ हासिल करके रहूंगा। बाबा अगर मैं इस साजिश में मारा गया तो चौलपान आपकी जिम्मेदारी है। अपने पोते का ख्याल रखिएगा बाबा। उरार बाबा, बाबा आलियार, आलियार बाबा, आलियार जल्दी देखो बाबा दुर्गुट, बाबा बाबा इन्हें जल्दी शिफाखाने लेकर चलो। मैं गुनाहगार नहीं हूं बाबा, मैं उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या माजरा है मेरे मालिक? ये फितना अंगेज आदमी यहाँ क्या लेने आया है? ये शैतान का चीला जरूर कोई नया फितना खड़ा करना चाहता है। मंगोल हमले के लिए तैयार हैं। अब मेरा दौर शुरू होने वाला है पेट्रोस। तुर्कों को यहां से मार भगाने का वक्त आ गया है। वहां सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों के हमलों के दरमियान घिरा हुआ है। हम अपनी मंजिल के करीब हैं। जब हमारे बादशाह अमन के ख्वाहिशमंद हैं तो ऐसा कैसे मुमकिन होगा कमांडर वैसिलियस? हमारे शहंशाह महल की रंगीनियों में गुम है। वो अपना सुकून तबाह होने से खौफजदा है, लेकिन शहंशाह को जिससे सबसे ज्यादा खतरा है वो एक ही शय है, अंदरूनी बगावत। क्या हम अपने ही लोगों को बगावत पर उकसाएंगे? बिल्कुल, अगर जरूरत पड़ी। ये मत भूलो पेट्रोस, जंग लोग ही शुरू करते हैं और वही खत्म करते हैं। अगर हमारी बावकार रियाया हमारे अजीम जमींदार को कत्ल करने वाले तुर्कों से इंतकाम लेने की ठान ले तो कोई इस जंग को रोकने वाला ना होगा। अमीर सादतीन कोपैक तशरीफ लाए हैं कमांडर वैसिलियस। अंदर बुलाओ उन्हें। तशरीफ लाइए अमीर सादतीन। कमांडर वैसिलियस,
देखो कमांडर, हकीकत नक्शे पे लकीर बनाने से नहीं बल्कि जमीन पर उतरने के बाद मालूम होती है। और अगर हम जमीन खून में नहला देंगे तो फसल कड़वी हो जाएगी। हम जंगजू हैं, किसान नहीं अमीर सादतीन। हमारी दिलचस्पी जमीन के ऊपर है, ना कि उसके नीचे। और हम ऊपर उनकी मदद करते हैं जिन्हें नीचे जाने की ख्वाहिश होती है। ऐसे मिजाज के हामिल लोगों को हम जंगजू नहीं बल्कि कातिल कहते हैं। अच्छा, ये मत भूलो कमांडर, तारीख अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखती कातिलों को। कैसे आना हुआ आपका किले में, मैं जानना चाहूंगा। क्यों वैसिलियस, मेरे इरादों के मुताबिक मेरी मेजबानी का फैसला करोगे? आपकी मेजबानी के लिए हाजिर हूं मैं। तुम्हारे कीमती वक्त से कुछ लम्हात मेरे लिए बाइस शर्फ हैं। मैं यहां सिर्फ यह बताने आया था कि जिस नक्शे को तब्दील करने का ख्वाब तुम देख रहे हो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील नहीं होगा कभी। मेरी मेज पर रखा हुआ वह नक्शा माजी में अनगिनत मौकों पर तब्दील हुआ है, लेकिन उसे तब्दील करने वाले सुहारे ख्वाब देखने वाले बच्चे नहीं बल्कि अजीम जंगजू थे जो हकीकत जानते थे। हकीकत मैं हूं और हकीकत सलजूकों की ताकत है, और तुम खुद को एक अजीम कमांडर समझते हो। पत्थरों से बने हुए इस छोटे से किले में जो तुम्हारे गुमान में कभी फतह नहीं हो सकता। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो शायद, जिस जंग को शुरू करने का तुम्हारा इरादा है उसमें सबसे पहले कलम होने वाला सर तुम्हारा होगा। सादतीन को पैक इतना मुत्तकी नहीं कि अल्लाह के इंसाफ पर अमल दरामत करवा सके। एहतियात बरत कर आपने अच्छा किया भाई, ये इकदाम कोपैक को अपनी हद से तजावुज नहीं करने देगा। अमीर सादतीन पहले भी हमें मुश्किलात में डाल चुका है आर्तुक भाई, हमारी एहतियात सिर्फ उसकी रफ्तार कम कर देगी। अगर हमें उसकी अगली चाल का मालूम ना हो सका तो मंगोल लश्कर से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा हमें। भाई अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ बंसी। क्या हो गया है बंसी, इतने तैयार क्यों हो? भाई कोपैक कारा जयसार किले के अंदर गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। कोपैक किले में क्यों गया था बमसी, तुम्हें यकीन है? जी भाई मुझे बिल्कुल यकीन है, मैं वहां हेलेना से मिलने गया था। मेरा मतलब है कि मैं हेलेना को उसके बाबा के कातिलों की खबर देने के लिए गया था। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि कोपैक अपने सिपाहियों के साथ किले के अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन भाई मैं छुप गया था, किसी ने मुझे नहीं देखा होगा। ठीक है बमसी, तो हेलेना से मिलने गए थे तुम वहां? भाई शैतान का नाम लिया और उसकी खबर आ गई भाई, मगर कोपैक किले क्यों गया होगा? बगैर किसी वजह के वो कभी किले नहीं जा सकता आर्तुक भाई। जमींदार की मौत से बाजंतीनी पागल हो चुके हैं, वो यकीनन बदला लेना चाहेंगे, और कोपैक
कुपैक कीमत अदा करके मामला रफा दफा करना चाहेगा, और अगर हम न जान सके कि वो कीमत क्या होगी तो हमारे इकदाम बेकार हो जाएंगे। आर्थिक भाई, यह हम कैसे जान सकते हैं भाई? कुपैक को अपनी चालाकी पर बहुत फख्र है। यही फख्र उसकी कमजोरी है आर्थिक भाई, उस पर कड़ी नजर रखना होगी। जैसा आपका हुक्म भाई, मेरी नजरें हमेशा उस पर जमी रहेंगी। तो तुम चाहते हो कि मैं जंग का आगाज ना करूं? जंग दम तोड़ती रियासतों की निजात है अमीर सादतीन, तुम्हें तो यह मालूम होना चाहिए। किसी रियासत के अंदर जब कहत साली हो जाए तो उसका एक ही हल होता है और वो है जंग। तुम्हारी रियासत दम तोड़ रही है, मंगोल कहत की तरह अपने पंजे काट रहे हैं। बजाय इसके कि तुम उनसे निमटते, जमींदार को मरवा दिया तुमने। जमींदार की मौत पर मुझे दिली अफसोस है कमांडर, और बादशाह के काफले पे होने वाले हमले पर भी मुझे यकीन है कि तुम्हें भी उतना ही अफसोस है जितना कि सानेह से मुझे अफसोस हुआ। और तुम इस परेशानी में यह भी भूल गए कि जमींदार के बाद उसकी जगह कौन लेगा। उनकी जगह जल्द पुर हो जाएगी, तुम्हें इसकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि तुम जमींदार की मौत की कीमत कैसे चुकाओगे। तुमसे कोई झगड़ा करने नहीं आया मैं यहां। तो फिर? मैं तुम्हें यहां मशवरा देने आया हूं। एक ओराल के साथ तुमने जो कुछ किया मैं जानता हूं अच्छी तरह, और बादशाह के पीठ पीछे क्या करते रहे ये भी मालूम है मुझे। कमांडर, जमींदार के कत्ल में ओराल मुलविस नहीं, यह हम दोनों जानते हैं। अगर तुम जमींदार की जगह लेने के ख्वाहिशमंद हो तो अच्छा है, ले लो उसकी जगह। लेकिन अगर जंग का आगाज करने पे तुम बजित रहे तो तुम्हारा लश्कर इज़निक पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाएगा। ये अल्फाज अमीर सादतीन कुपैक के हैं, याद रखना। मुख्तसर ये कि जमींदार का कातिल तुम्हें मिल जाएगा, तुम उसे बादशाह के सामने पेश करोगे और नए जमींदार बन जाओगे। जंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जितना सुना था तुम उससे ज्यादा चालाक हो अमीर सादतीन। यह सच है कि सलजूक रियासत बहुत ही जहीन और शातिर आदमी के हाथ में है। उम्मीद है कि किसी रोज कोई जहीन आदमी तुम्हारे पास भी आएगा और सलजूक का तख्त तुम्हारे हवाले कर देगा। तो मुआहिदा पक्का? ऐसा कब कहा मैंने? अर्तुरुल, अगर मेरे मामलात में दखल अंदाजी करता रहा तो रियासतों के दरमियान अम का वादा निभाना मुमकिन नहीं। अगर तुम अर्तुरुल के बहाने जंग शुरू करने से बाज रहे तो अमन अमान मेरी जिम्मेदारी है, और अर्तुरुल को जल्द उसकी हद पता चल जाएगी। लेकिन उसे हद में लाने वाले तुम हरगिज नहीं हो सकते। सलजूक रियासत बखूबी जानती है कि गद्दारों को लगाम कैसे डाली जाती है। तुम्हारी रियासत को उस बदमिजाज की लगाम अच्छी तरह खींचनी चाहिए। अगर वो दोबारा मेरे किले के गिर्द नजर भी आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं उस मुकदमे में मौजूद होऊंगा, वहां कातिल को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर मुआहिदा पक्का होगा हमारे दरमियान। अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, लेकिन सलजूक अदालत के हुक्म पे दी गई सजा पे अमल दरामद सलजूक रियासत ही करवा सकती है।
उराल और लास्करिस मुकदमे की समाप्त के बाद तवील सफर पे चले जाएंगे और यकीनन तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अच्छा है, सुल्तान अलाउद्दीन के महल में भी बिल्कुल ऐसा ही नक्शा है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब महल पे चढ़ाई करूंगा लश्कर के साथ तो जरूर देखूंगा उसे। ख्वाब ही देखते रहोगे। लेकिन तुमने अगर अपना इरादा बदल दिया तो मैं तुम्हें नया नक्शा भिजवा दूंगा, उसमें अपनी नई सरहदों के ख्वाब देखते रहना। इंतजार रहेगा मुझे। दरवाजा खोलो। आज हानली बाजार में उराल और लास्करिस के मुकदमे की समाअत है। उन्हें सजा पे अमल दरामद के लिए गोनिया ले जाएंगे और तुम रास्ते में हमला करके उन्हें मेरे पास ले आओगे। तुम आज से मेरे लिए किसी काफिर से ज्यादा बड़े दुश्मन हो मेरे, जान लो ये बात अर्थुरुल। सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद ने मुझे इस मुकदमे का काजी नामजद किया है। अर्थुरुल साहब, बहुतान लगा रहे हैं, ये मेरे फर्जंद के एक जुर्म को अपना मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में है।